देखो इसका जो वेटेज है वो है 14 मार्क्स, तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि 14 मार्क्स कहाँ कहाँ पे एंगेज हैं। इस चैप्टर के ऊपर एक एमसीक्यू आता है, तो आपको तो पता है एक एमसीक्यू एक ही मार्क का होता है, तो एक मार्क यहाँ पे एंगेज हो गए। एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स वाला, यानी कि थ्योरी में इसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, इसका वेटेज है 3 मार्क्स। और खास बात है कि इसमें आते हैं 5 मार्क वाले 2 क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स के टोटल मार्क्स प्रोग्राम 5 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 आते हैं, तो इसमें 10 मार्क्स एंगेज हो गया हमारे। इस तरीके से यहाँ पे 14 मार्क्स आ गए। नाउ तो आप 14 में से कितने मार्क्स कमा सकते हैं एग्जाम में? आउट ऑफ 14, आउट ऑफ 14 तो हम कमा नहीं पाएंगे, तो कितने कमा सकते हैं? देखो एक एमसीक्यू तो कंपलसरी ही होता है, वो जो 4 ही एमसीक्यू आते हैं, तो उसमें से पहला एमसीक्यू मतलब डिफरेंट डिफरेंट 4 ही चैप्टर, तो 4 एमसीक्यू 4 चैप्टर में से आ गए हैं, तो एक चैप्टर एक एमसीक्यू तो डेफिनेटली एचटीएमएल के ऊपर आएगा, तो आपको 1 मार्क मिल गया है। ये भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है एक ही, तो 4 मार्क तो यहाँ पे एंगेज हो गए। तो क्या 5 मार्क में जो 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, और आपको लिटिल बिट आइडिया है कि 5 मार्क वाले क्वेश्चन यानी कि हमारे प्रोग्राम्स, तो क्या आप आउट ऑफ 10 स्कोर कर पाएंगे? तो नहीं। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो आपको लिटिल बिट आइडिया है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं ए बी सी, तो जो पहले 2 क्वेश्चन होते हैं वो सी प्लस प्लस के ऊपर आते हैं, तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम आते हैं, आपको लिटिल बिट और आइडिया होंगी क्योंकि हमने 11th में सी प्लस प्लस के प्रोग्राम देखे थे। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा HTML का, मतलब सी क्वेश्चन है, उसमें HTML का क्वेश्चन आता है, यानी HTML का प्रोग्राम आता है, तो आप यहाँ से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं? 2 क्वेश्चन आपको वहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आप एक क्वेश्चन अगर HTML का करते हैं तो आपको अच्छा ईजी क्वेश्चन होता है, तो आपको उसमें फायदा हो सकता है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन और होता है, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, तो 5 मार्क्स यहाँ पे एंगेज हो गए हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, और 5 मार्क्स यहाँ पे एंगेज हो गए हैं, मतलब कि वो तो 4 मार्क मिल गया आपको, एक एमसीक्यू के ऊपर 1 मार्क मिल गया, थ्योरी के ऊपर 1 मार्क मिल गया, बट प्रोग्रामिंग के ऊपर आपने अगर ये 2 भी सॉल्व कर लिए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलने वाले हैं? 5 मिलने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए वो और होते। तो इस तरीके से 1 मार्क आपने एमसीक्यू पे कमा लिया, 1 मार्क 3 मार्क आपने थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर कमा लिए, और यहाँ से आपने कमा लिए 5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल इस चैप्टर का जो वेटेज है वो रहेगा आपको 9 मार्क्स, यानी कि पूरा अगर आप ये चैप्टर करके जाते एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको 9 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर हम शुरू करते हैं। सो हमारा 4th चैप्टर, और जो हम पढ़ने वाला हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है HTML, 14 मार्क्स 9 मार्क्स कैन वी स्कोर। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू HTML, तो क्यों ना पहले इसको लॉन्ग फॉर्म जाना चाहते हैं। जो HT है HTML में वो स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट, जो M है वो होता है मार्कअप, और जो L होता है वो होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका पूरा लॉन्ग फॉर्म हो गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज HTML, तो जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज HTML, तो आपको बोलना है कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वैसे ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, बहुत लोगों को इसका लॉन्ग फॉर्म पता नहीं होता है, तो इसका यूज़ वगैरह क्या है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा। तो पहले एक टास्क करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक वेबसाइट विजिट करनी है, लेट एक वेबसाइट का नाम ले लेते हैं, wikipedia.org ऐसा एक वेबसाइट का नाम है, आपने सुना ही होगा, मुझे ये वेबसाइट ओपन करनी है। तो अगर ये मुझे वेबसाइट ओपन करनी है तो मुझे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगेंगी, या फिर हम इसे कहाँ पे ओपन कर सकते हैं? तो आपका आंसर रहेगा, सर हमें तो इसके लिए सबसे पहले मोबाइल या फिर एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमें PC की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन तीनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? तो इसके बाद हमारे पास होना चाहिए इंटरनेट। कैसा इंटरनेट होना चाहिए हमारे पास? एक एक्टिव इंटरनेट होना चाहिए, मतलब जिसमें बैलेंस हो, आपके जैसे कि आप बात करते हैं मोबाइल मोबाइल, तो मोबाइल डेटा हो या फिर वाईफाई हो, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आपके पास इसकी ज़रूरत हो। इसके बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आप इसे कहाँ पे ओपन करोगे, यानी आपको लगेगा एक ऐप, तो वो ऐप कौन सा होता है जहाँ पर आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं? तो अगर अगर आप मोबाइल की बात करें तो आप थोड़ा सा फैमिलियर होंगे मोबाइल में इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो जनरली आप गूगल ओपन करोगे या गूगल का ऐप ही आपको मिलेगा। एक्चुअली जो गूगल का ऐप होता है इस वो एक्चुअली होता क्या है, तो एक्चुअली वो एक ब्राउज़र होता है, तो वो सिर्फ लिखने के लिए गूगल दिखता है, बट बैकग्राउंड में तो एक ब्राउज़र ही काम करता है। तो लेट हम बात करते हैं कि हमारे पास एक होना चाहिए ब्राउज़र। तो फिर ब्राउज़र कौन कौन से अवेलेबल है? तो आपको सब फेमस नाम पता होगा, आपको पता होगा क्रोम के बारे में,
आपको पता होगा फायरफॉक्स के बारे में, आपको पता होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे वेब्स ब्राउज़र अवेलेबल होते हैं। तो देखो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी हो तो। wikipedia.org हमें ओपन करनी है, तो आपको मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, इंटरनेट, एक्टिव इंटरनेट या फिर ब्राउज़र क्रोम, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर की आपको ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। पर एक्टिव इंटरनेट की ज़रूरत आपको बिल्कुल पड़ेगी। तो लेट देखो मैं एक यहाँ पे आप कर्सर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र के ऊपर क्लिक किया है, ऑफकोर्स वो क्रोम ब्राउज़र है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। आप जो देख पा रहे हैं ये एक ऑलरेडी डाउनलोड वाली इमेज है जो गूगल वगैरह आप देख रहे हैं। ये होम पेज है एक्चुअली मेरे वेब ब्राउजर का, बट ये यहाँ पे मैंने फिलहाल इंटरनेट एक्टिवेट नहीं किया है। तो देखते हैं अगर इंटरनेट आपके पास नहीं है और आप अगर वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो क्या होता है। तो आप ओपन कैसे करेंगे? देखो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उस वेबसाइट का नाम, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो मैं कर्सर जहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसे एड्रेस बार बोलते हैं। तो ये जो विकिपीडिया है, ये जो हम ओपन कर रहे हैं, मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली वेबसाइट का नाम डाल रहा हूँ, इसे बोलते हैं उसका एड्रेस। अगर मैं wikipedia.org लिख के एड्रेस बार में हिट करूँ और मेरे पास अगर इंटरनेट एक्टिव इंटरनेट ना हो तो आप देख सकते हैं आपको कैसा एरर आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे नो इंटरनेट, आप देख सकते हैं वहाँ पे नो इंटरनेट करके आए क्योंकि मैंने इंटरनेट एक्टिवेट ही नहीं किया है। तो अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपके पास एक एक्टिव प्लान होना चाहिए। तो देखो मैं मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसके साथ इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं एक्टिवेट इंटरनेट। तो ज़रा ध्यान रखिए इससे होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो गया है और मैं सेम चीज़ फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख पाओगे कि अब हो क्या रहा है। तो एक पेज यहाँ पे डाउनलोड होने वाला है। तो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेज कैसे खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विकिपीडिया का होम पेज यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि एक एक्चुअल इंग्लिश का वेब पेज कैसे दिखता है वो हम देख सकेंगे। तो यहाँ पे एक वेब पेज डाउनलोड हुआ है जिसका नाम है, जिस वेबसाइट का नाम है wikipedia.org और हमने लैंग्वेज चूज़ की है इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है पहले तो यही देखना है। तो इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। आपने देख पा रहे होंगे क्रोम में मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, पर जब इंटरनेट नहीं था तब तो ये पेज ओपन नहीं हो रहा था। अब जैसे मैंने इंटरनेट एक्टिवेट कर लिया, मैंने हॉटस्पॉट से इसे जोड़ा तो ये पेज तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हुआ कैसे, इसका छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो देखो, तो ये जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं दुनिया में, जितनी भी वेबसाइट हैं वो एक्चुअली कहाँ पे स्टोर रहती हैं? तो ये स्टोर रहती हैं वेब सर्वर के ऊपर। जो मेरा कर्सर आप देख पा रहे होंगे तो वेब सर्वर के ऊपर ये स्टोर रहती है। तो वेब सर्वर होता क्या है? वेब सर्वर एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जहाँ पे दुनिया के जितने भी वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर रहती हैं। तो आप बोलेंगे सर कैसे, कितने वेब सर्वर होते हैं दुनिया में? बहुत सारे वेब सर्वर होते हैं, अलग अलग कंट्री में होते हैं, अलग अलग शहर में होते हैं। तो वेब सर्वर का काम होता है वेबसाइट स्टोर करना। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि मोबाइल, पीसी और लैपटॉप। जैसे ही आप मोबाइल से मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तो होता क्या है, मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। जैसे ही आपने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल का मोबाइल डेटा ऑन किया, तो आप इस वेब सर्वर से कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक कनेक्शन बनता है। जैसे नहीं क्या, हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर आपको फाइल भेजनी है तो देखो हम क्या यूज़ करते हैं, हम शेयर इट यूज़ करते हैं, या फिर अगर मुझे मेरे मोबाइल का डेटा अगर मुझे कंप्यूटर में डालना है तो हम डेटा केबल की यूज़ करते हैं। तो ये जो शेयर इट है या फिर ये जो डेटा केबल है, तो ये करते क्या है, दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं जहाँ से हम डेटा क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके। जैसे ही मैंने हॉटस्पॉट लिया है मेरे मोबाइल से तो मेरा पीसी भी इस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है इस वेब सर्वर से। वैसे आप लैपटॉप से भी राउटर के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये कनेक्शन। तो इंटरनेट एक्चुअली एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। एक बड़े से कंप्यूटर में हमारी चीज़ें यहाँ से, मोबाइल हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, वो क्या होते, कनेक्ट होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो छोटी सी जगह है, ये वाली जगह यहाँ पे हमारी विकिपीडिया, ये जो वेबसाइट थी ये यहाँ पे स्टोर है। तो जैसे ही मैंने वो ब्राउज़र में वो एड्रेस डाला तो ये जो फाइल है, ऑफ कोर्स इट्स अ फाइल, अगर आपको बाद में पता चलेगा कि ये फाइल कैसे होती है, तो ये जो पेजेस हैं, ये जो फाइल्स है, ये हमारे इस कनेक्शन के थ्रू, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हमारे मोबाइल के अंदर या फिर इस पीसी के अंदर या फिर इस लैपटॉप के अंदर यहाँ पे आ गई है। तो
तो यहाँ पे HTML का क्या काम है, तो मुझे वही बताना है कि ये जो वेबसाइट होती है, देखो अब फिर से वापस आते हैं, ये जो वेबसाइट है आप इसमें देख सकते हैं वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। इसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है इस वेबसाइट में, कुछ इमेजेस हैं, आप ऐसी वेबसाइट भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आपको इनबिल्ट वीडियोज भी मिलेंगे। तो मेरा कहना ये है कि ये जो पेज आया है, वो ये जो पेज है वो उस सर्वर से आया है, पर्टिकुलर उस वेबसाइट की जो जगह है वहाँ पे ये पेज स्टोर है, और वो पेज हमारे ब्राउजर में आके यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर HTML का काम क्या है? तो HTML का काम है ऐसे पेजेस बनाना, ऐसे ये जो आपको देख पा रहे हैं ना, ये सब कुछ बना है HTML से। तो HTML का काम है वेब पेजेस बनाना। तो आपने वेबसाइट तो सुना है, वेब पेजेस सुना है, तो ये दोनों कैसे इंटरकनेक्टेड है देखते हैं। तो व्हाट इज वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड एज ए वेबसाइट। एंड व्हाट इज यूज ऑफ HTML? HTML इज यूज टू वेब पेजेस, यूज टू बिल्ड वेब पेजेस। HTML का काम है ऐसे पेजेस बनाना, और एक बार आप ऐसे पेजेस बना लेते हैं तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि एक वेब पेज वगैरह यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। हम एक वेबसाइट को हमारे नॉर्मल टेक्स्ट बुक से हम कंपेयर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में होता क्या है, टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे, और अगर एक पेजेस को अगर कंसीडर करें तो एक पेज में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट, और साथ ही साथ में आपको उसमें बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। वैसे ही जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो आपको वहाँ पे भी मिलेंगे पेजेस, बट उस पेजेस को हम क्या कहेंगे, वेब पेजेस। और ऐसे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को ही हम वेबसाइट बोलते हैं। तो जो सिंगल वेब पेज होता है, अगेन उसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है, और साथ ही साथ में वहाँ पे इमेजेस हो सकते हैं। तो हमने रेफरेंस के लिए विकिपीडिया की साइट कंसिडर की थी, तो आप देख सकते हैं कि एक वेब पेज में अभी भी यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रहे हैं, टेक्स्ट दिख रहे हैं, और इसी को बोलते हैं वेब पेज। तो ये जो विकिपीडिया है एक वेबसाइट है, और इसमें ढेर सारे ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे वेब पेजेस मिल जाएंगे। तो हमारे बुक में भी ऐसे ही होता है, टेक्स्ट बुक में आपको पेजेस मिलेंगे, उसमें टेक्स्ट और इमेजेस होंगे। तो HTML का काम है एक नॉर्मल सा वेब पेजेस बनाना, या एक वेब पेज बनाना। एक बार आपने वेब पेज बना लिए तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो और एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो जरा कंसिडर करिए, आपको एक टेक्स्ट बुक लिखना है, टेक्स्ट बुक लिखना है, या फिर आपको एक नॉवेल लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखना शुरू करोगे ना। तो लिखने के लिए आप टेक्स्ट का यूज करोगे, तो आप एक एक टेक्स्ट लिखते जाओगे, टेक्स्ट से लाइन बनाओगे, पैराग्राफ बनाओगे, उससे पेजेस बनाओगे। एक बार आपने वो पेजेस बना लिए तो उसे बहुत सारे पेजेस बनाओगे, तो आपने बना लिया टेक्स्ट बुक। तो ये टेक्स्ट बुक तो आपके घर पे है, आपके रूम पे है। अगर आप चाहते कि टेक्स्ट बुक आप बहुत सारे लोग आपके टेक्स्ट बुक को पढ़े या फिर आपके नॉवेल को पढ़े, तो आप क्या करोगे, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, या फिर लाइब्रेरी में आपको डालना पड़ेगा। आप उस टेक्स्ट बुक को क्या दोगे, नाम दोगे। वैसे ही हमारी वेबसाइट होती है। देखो आपको वेबसाइट बनाने हैं तो आपको टेक्स्ट इमेजेस का सहारा लेना पड़ेगा। आप बनाओगे कोई वेब पेज, वेब पेज बनाने के लिए आपको किसी ना किसी चीज का तो यूज करना पड़ेगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा HTML का। उस HTML का काम है एक वेब पेज बनाना। ऐसा बहुत सारे आप वेब पेजेस बना के आप बना सकते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको ये पेजेस वेबसाइट सब कुछ आपको ऑफलाइन बनानी है। तो वो कहाँ पे बनाओगे आप, आपने हो सकता है कि आपने आपके मोबाइल पे बनाई हो, पीसी पे बनाई हो, या फिर आपने लैपटॉप पे बनाई है, बट है तो फिलहाल वो ऑफलाइन ना, वो आपके लैपटॉप पे ही पीसी पे ही पड़े हैं। आप चाहते हैं कि ये आपके वेब पेज वेबसाइट बहुत सारे लोग देखे, तो आपको इसे क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। तो कहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, तो वही होता है हमारा वेब सर्वर। तो वेब सर्वर ही वो चीज़ होती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। और ऑफकोर्स उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ये वेब सर्वर फ्री होते हैं? हाँ, कुछ फ्री होते हैं, कुछ को आपको पेड करना पड़ता है। आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे GoDaddy.com, तो वो जो होते हैं वो आपके लिए वेबसाइट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। तो फिर वेबसाइट को आपको नाम देना पड़ता है, तो आप नाम देते हैं, बैकग्राउंड में उसका IP एड्रेस काम करता है। और एक बार वो सबको उसका अगर वेबसाइट का नाम पता चल गया, तो उस वेबसाइट के नाम को हम जनरली क्या बोलते हैं, एड्रेस वगैरह बोलते हैं। तो जनरली वेब एड्रेस, ऐसा कभी आपने वर्ड सुना होगा, या इसके जगह पे आपने URL नाम सुना होगा, यानी कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है। वेब ब्राउजर में आप ये URL एंटर करते हैं, सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ऑफकोर्स आपके पास एक्टिव इंटरनेट है ऐसा हम कंसिडर करते हैं, और तब जाके वो वेब पेज आपके ब्राउजर पे दिखता है और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं।